सर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं। आई होप मिल चुका हो, मिल जाना सर। ओके ओके सर। अच्छा देखो, तो कंपनी लॉ का क्लास है ना, तो हर फ्राइडे को हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं। तो करेंटली हम लोग आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ में। इससे पहले हम लोग बेसिक्स वगैरह कवर किए हैं, उसके बाद बीच में काफ़ी सारा चैप्टर हुआ है, जिन लोगों का नहीं हुआ डोंट वरी, हम लोग ग्राउंड जब करेंगे सारा चैप्टर धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक आपके साथ में करूंगा, इसके लिए आपको बस बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का आइडिया होने से ही चले, ठीक है? जो नॉर्मली स्टूडेंट फाउंडेशन लेवल में भी पढ़ लेते हैं, इंटरमीडिएट में भी स्टार्टिंग लेवल में बेसिक्स ही है, ठीक है? तो अगर आपको बेसिक्स का नॉलेज है दैट इज इनफ, ओके। और जैसे प्रीवियस चैप्टर जैसे हम लोगों ने चार्जेस पे किया, ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने आपका शेयर कैपिटल डिवेंचर ये सब चैप्टर कवर किए, डोंट वरी। जिन लोगों का ये सब चैप्टर नहीं हुआ है उनको लेकर चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो जिसका हुआ है वो रिवाइज करे, जिसका नहीं हुआ है वो न्यू क्लास के लिए थोड़ा वेट करे, जैसे जैसे होगा सारा चैप्टर कवर किया जाए। अच्छा रही बात सर आज क्या पढ़ाएंगे, सर आज ना आपको मैं डिविडेंड के बारे में चर्चा करूंगा। सर आप लोग डिविडेंड का नाम सुने, सर क्या बोलते हो? डिविडेंड कैलकुलेट करते करते मतलब हाथ में छाला पड़ गया। हाँ जब से क्लास 11 से अकाउंट्स करना स्टार्ट किए हैं तब से डिविडेंड का कैलकुलेशंस करते हैं, जब से कंपनी लॉ का कंपनी अकाउंट स्पेशली जब से कंपनी अकाउंट करना स्टार्ट किए तब से भी डिविडेंड का डिस्कशंस, फाइनल अकाउंट्स करते हैं तब भी डिविडेंड का डिस्कशंस है ना, क्वेश्चंस पे में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिलता है। अरे मिला है कि नहीं, डिविडेंड रिलेटेड मैटर में आप लोग बचपन से सुने हैं कि नहीं सुने, इतना तो बता दो। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके सर थैंक यू। सो तो फिर आज ऐसा कुछ नया बताने वाले हैं सर? सर नया कुछ नहीं बताऊंगा, पुराना बात ही करूंगा, लेकिन अकाउंट्स रिलेटेड नहीं लॉ रिलेटेड, ठीक है? मतलब बहुत सिंपल सा बात है कि ये जो कंपनी मार्केट में डिविडेंड वगैरह देता है इसके पीछे कंपनीज एक्ट में क्या बोला। अच्छा सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, सिंपल बात सुन, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो मतलब कैपिटल देते हो, बदले में आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलता है। क्या मिलता है सर? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब शेयर होल्डिंग, ओके। शेयर होल्डिंग अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर बनते हो तो आप बेसिकली कंपनी का क्या बन जाते हो सर? ओनर है ना, मेंबर। अच्छा क्या कोई कंपनी का ओनर अपने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी से इंटरेस्ट मांग सकता है सर? मतलब तुम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी से मतलब इंटरेस्ट में मांगोगे, जैसे बैंक वाले बिजनेस को लोन देता है तो बदले में इंटरेस्ट मांगता है, बात तो समझ में आता है कि वो लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट मांग रहा है। लेकिन जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेशली जिसको हम लोग इक्विटी शेयर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इक्विटी शेयर। आप लोग पढ़ते हो अकाउंटेंसी में भी है ना, इक्विटी शेयर। तो क्या आप मुझे इतना बता दो, क्या अगर आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हो, अच्छा प्रेफरेंस भी हो सकते हो, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज देयर इज इक्विटी शेयर कैपिटल, देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाओ आप या फिर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर हो जाओ आप, लेकिन आप जैसे शेयर होल्डर बन जाते हो आप कंपनी से क्या डिमांड करते हो? डिविडेंड डिमांड करते हो। अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले और इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड डिमांड में कुछ फर्क है क्या? यस सर, देयर इज अ बेसिक बेसिक फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। इक्विटी शेयर जो होते हैं कंपनी का, वो कंपनी का कौन सा डिविडेंड मांगता है? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का बचा हुआ डिविडेंड मांगता है। बचा हुआ मतलब सबको देने के बाद कंपनी का जो भी प्रॉफिट पड़ा रहता है। अच्छा डिविडेंड का सिंपल मतलब तो बताया नहीं आपको, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। सिंपल मतलब यही है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट करता है बिजनेस उसका जो पार्ट है वो अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो डिविडेंड कहलाता है। हेलो
क्या बात समझ में आ रहा है सर? थोड़ा हाँ ना बताइएगा। यस सर। ठीक है, ये तो वो सिंपल सिंपल बात है, मैं तो बेसिक का बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या मैं आपको अभी बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ? नहीं सर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिविडेंड। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, बहुत सारा बात शेयर। ये देखो सर, ये इमेज कुछ कहता। कंपनी क्या करता है, जो भी कंपनी पे भरोसा करके पैसा डालते हैं ना, ऐसे जो भी कंपनी में भरोसा करके कंपनी में क्या डालते हैं सर, कैपिटल देते हैं। भरोसा किया कंपनी के शेयर पे, भरोसा किया, भरोसा करके कंपनी को पैसा दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो कंपनी को उसको बाद में रिटर्न में क्या देगा, डिविडेंड देगा। अच्छा, अचानक डिविडेंड दे देता है क्या, या डिविडेंड के लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं? डिविडेंड देने का कंपनी का कुछ तौर तरीका होता है? हाँ सर, तौर तरीका होता है, उसका लीगल तरीका तो है ही, साथ में अकाउंट्स में, अकाउंट जो कुछ भी करता है, पॉइंट भी नोटेड, आप अकाउंटेंसी में जो भी ट्रीटमेंट करोगे एज पर कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कंपनी लॉ के हिसाब से ही अकाउंट्स में वहां पर डिविडेंड का भी कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है। तो सर क्या बताते हैं कंपनीज एक्ट, वही तो बात करना है, वही तो बात करना है सर। कंपनीज एक्ट क्या कहता है उसके बारे में, डिविडेंड के बारे में वही तो कहना है। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा डिविडेंड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है, एक न्यूज है, आज का ही न्यूज है सर। सीजी पावर बोर्ड बोल के एक कंपनी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तभी खबर आया है। सीजी पावर बोर्ड अनाउंस किया है, खबर दिख रहा है सर, ये मिंट से बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान टाइम्स का बिजनेस चैनल है। सीजी पावर बोर्ड अनाउंसेस इंटरिम डिविडेंड। कैसा डिविडेंड? हेलो, क्या इंटरिम इंटरिम डिविडेंड? नॉर्मली डिविडेंड दो तरह का होता है, एक होता है फाइनल, एक होता है इंटरिम। अब ये दोनों डिविडेंड क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है? लॉ रिलेटेड होंगे। अकाउंटेंसी में आप लोग इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कैलकुलेशन करते हो, लेकिन वहां पर बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो कि अगर कंपनी डिक्लेयर करता है कि पर शेयर में 10 रुपया करके डिविडेंड देगा, कंपनी डिक्लेयर करता है ना कि पर शेयर हम लोग 10 रुपीज करके डिविडेंड देंगे या 6 रुपीज करके डिविडेंड देंगे, उस हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। आप लोग बस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, बट हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट अवर मेन फोकस एरिया। हमारा फोकस एरिया कि लीगल फोकस एरिया क्या है, कंपनी जो कुछ भी करेगा एज पर दी कंपनीज एक्ट करेगा। तो जैसे ये न्यूज आया है, ये मैं आपको लॉ नहीं बता रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसमें उसका क्या लीगलिटीज होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग द मेंबर्स एलिजिबल टू रिसीव डिविडेंड, मतलब रिकॉर्ड डेट वगैरह क्या होता है, आगे बताते हैं, ठीक है? आगे बताते हैं, एक्स डेट, पोस्ट डेट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो सीजी पावर ने बताया, एन इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन बोर्ड 2 मार्च कल, ठीक है, यस्टरडे, इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इन अ मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी चैप्टर आता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर, नॉर्मली सीएस एग्जीक्यूटिव को, सीएमए वाले को भी, और साथ में सीए वाले को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह का थोड़ा नॉलेज तो बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे एक टॉपिक आता है सर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर भी मैंने डायरेक्टर वगैरह का हल्का बहुत बताया था, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक स्पेशल टॉपिक भी होता है, ठीक है, तो उसमें भी कभी बात कर लेंगे आप लोगों के साथ। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच फॉर द फिस्कल ईयर 22-23 हैज बीन अप्रूव्ड। पर शेयर कितना, 1.5 टका फेस वैल्यू पे ऑफ ₹2 ईच, इंटरिम डिविडेंड 1.5 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच, मतलब एक फेस वैल्यू है कंपनी का 2 टका, ₹2, और उस पर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है 1.5 टका पर शेयर, ठीक है? अब सर ये, लेकिन क्या कंपनी का शेयर का प्राइस इतना चल रहा है? नहीं सर, कंपनी का शेयर प्राइस इससे ज्यादा ही होगा। अब देख लो सीजी पावर का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, सीजी पावर शेयर प्राइस, सीजी पावर का शेयर का दाम चल रहा है सर ₹300, 301 सर, ये तो मार्केट प्राइस है। तो डिविडेंड मार्केट प्राइस पे नहीं देता? नहीं सर, डिविडेंड मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, तो फिर डिविडेंड किस पे दिया जाता है सर? डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है। ये कंपनी का एक शेयर का दाम है 300 रुपीज, लेकिन कंपनी का फेस वैल्यू है 2 टका, 2 रुपीज, कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपीज। अब आप बोलोगे सर फेस वैल्यू क्या होता है, आपके मन में सवाल चलता है ना सर, सर फेस वैल्यू क्या होता है? सर फेस वैल्यू बेसिकली किसी भी शेयर का एक बेसिक वैल्यू, बेस वैल्यू, दैट इज व्हाई कॉल्ड फेस वैल्यू। मतलब नॉर्मली सर स्टैंडर्ड क्या होता है, सर स्टैंडर्ड फेस वैल्यू ₹10 होता है, ज्यादातर केस में 10, 10 से नीचे भी हो सकते हैं, 5, 2, 1,
कुछ भी रख लो, आईटीसी, आईटीसी जैसे कंपनी, रिलायंस जैसे कंपनी, किसी का भी फेस वैल्यू आप चेक कर सकते हो, किसी का भी फेस वैल्यू चेक कर सकते हो। तो जो कुछ भी वो डिविडेंड प्रोवाइड करता है, वो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं फेस वैल्यू पे। आप समझ रहे हो ना सर, मैं आपको थोड़ा मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिविडेंड रिलेटेड मैटर में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सीजी पावर ने 1.5 टका पर शेयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, 1.5 पर शेयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया। सर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका दो तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। हेलो, मार्केट में जब कोई इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट हो या कंपनी में इन्वेस्ट करो, चाहे स्टॉक मार्केट के जरिए करो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का भी शेयर आप खरीद के रखो, वट एवर बी दी सिचुएशंस, बट आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसा है, मानो कि आप इस कंपनी का अगर 1,000 शेयर होल्ड करते हो, ठीक है, मानो आपने शेयर का दाम जब थोड़ा सस्ता चल रहा था, से फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर बैक, ठीक है, 1 ईयर बैक, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 ईयर बैक इसका एक शेयर का दाम चल रहा था 150। जस्ट सुनो बात को, लॉ में भी आ जाऊंगा सर, ठीक है, 150 एक शेयर का दाम चल रहा था 1 ईयर बैक, आज इसका दाम चल रहा है 301, तो आपने पर शेयर में कितना गेन कर लिया, 151। अगर आपके पास 1,000 शेयर हैं, 1,000 × 151 कितना होता है सर, प्लीज टेल मी सर, जल्दी बोलो। दिस इज अ वन प्रॉफिट, लाख फिफ्टी वन थाउजेंड 151,000 सर, ये प्रॉफिट किया आपने ना। लेकिन सर ये प्रॉफिट और डिविडेंड वाला प्रॉफिट एक है क्या? नो सर, नो नो सर, सर, थैंक यू। ये जो प्रॉफिट आपने किया, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बदले में बिजनेस मार्केट में बढ़ता गया, बिजनेस का मार्केट शेयर का प्राइस बढ़ा, शेयर का दाम बढ़ा है, तो आपको कैपिटल गेन हुआ है। इसको हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, कैपिटल गेन टैक्स। छोड़ो अभी टैक्स को, छोड़ो अभी। तो सर डिविडेंड क्या है? सर ये कंपनी जैसे सीजी पावर क्या बोल रहे हैं कि आपको पर शेयर पे 1.5 पर शेयर का डिविडेंड दे, लेकिन क्या मार्केट प्राइस के हिसाब से? नो, परसेंटेज में भी बोलते हैं कभी कभी। तो आपको जो डिविडेंड देगा वो आपके होल्डिंग कितना है, मानो आप 1,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो 1,000 × 1.5 कितना मिलेगा आपको, 1,500 या 3,000? 3,000 ना, नहीं 1,500 ही तो बोल, 1,000 × 1.5 जितना होगा, तो 1,500 ही हो रहा है, तो उतना आपका डिविडेंड मिलेगा। अब ये डिविडेंड कहां से दिया कंपनी आपको? ये कंपनी का जो प्रॉफिट का बुक वैल्यू है वहां से दिया। अब ये सब कहां से पता चलेगा? कंपनी के ट्रेडिंग से, पीएल से, बैलेंस शीट से, कि कंपनी कितना कमा रहा है, उस पे कितना डिविडेंड दे रहा है। यस बोलो सर, किसी का अनम्यूट हुआ था। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका दोनों तरीका का कॉन्सेप्ट चलता है। देर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर मार्केट इन द मार्केट, तो उनका ना मार्केट में ऐसा चलता है कि भाई ऐसा कोई कंपनी बताओ, मुझे भी पूछते हैं सर कोई कंपनी बताओ जिसका डिविडेंड डिक्लेरेशन भी अच्छा है, मतलब लॉट्स ऑफ पीपल पूछते हैं। तो जैसे कुछ कंपनीज है सर जो डिविडेंड अच्छा देता है, जैसे अगर मैं आपको आईटीसी के बारे में बताऊँ, तो वेरी पॉपुलर स्टॉक, इसका डिविडेंड देने का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है। जो लोग डिविडेंड के लिए सोचते हैं वो आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं सर, ठीक है, वो आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं। देर आर सम कंपनी जो डिविडेंड अच्छा नहीं देता, जैसे जैसे और एक कंपनी बताते हैं आपको, कोल इंडिया। कोल इंडिया भी ना डिविडेंड देने में बड़ा ही पॉपुलर है, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग कोल इंडिया का। क्या हो, कुछ तो गड़बड़ दिखा रहा है जो भी हो। लेकिन रिलायंस का देखोगे तो उसका डिविडेंड उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं कम देता है, क्यों ज्यादा देता है, ये अलग चर्चा का विषय है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैं उस पर ना बात अभी को उसको स्किप करता हूँ, ठीक है, उस मैटर पर नहीं जाऊँगा। तो मेन पॉइंट क्या था सर? अच्छा ये देखो सर, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड का पॉइंट बता रहा है, देखो यहाँ पर कुछ रेशियो बता रहा है आप,
डिविडेंड यील्डिंग मतलब कंपनी कितना डिविडेंड यील्ड कर सकता है, मतलब जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है ठीक है उस कंपनी में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। या फिर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाओगे तो आपको ना यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिखेगा डीपीएस, दिख रहा है डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, दिस इज फाइनेंशियल कंट्रोलिंग रिकॉर्ड ठीक है। एक्चुअली हम लोग अभी करेंटली जो कंपनी लॉ के जिस पार्ट में आए हैं सर, इस पार्ट में मैं आपको एक्चुअली फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर ही बात करूंगा। इसमें तीन चैप्टर आता है कंपनीज एक्ट में, एक आपका डिविडेंड रिलेटेड मैटर में बात करूंगा, एक आपका अकाउंट रिलेटेड मैटर में बात करूंगा और एक आपका ऑडिट रिलेटेड मैटर में बात करूंगा। तो डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ठीक है, ये तीनों मैटर में लॉ क्या कहता है यही जानना अगले कुछ क्लासेस का मेन काम है सर ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बेसिकली फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड मैटर जिसके बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं। सर लॉ में कब जाओगे, सर जा रहे हैं ना, लेकिन आप एक चीज देखो डिविडेंड पर शेयर देखो, इस कंपनी का डिविडेंड पर शेयर देखो सर, आईटीसी का 11.5 रुपया 11.5 डिविडेंड पर शेयर ये प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर को, लेकिन उस उल्टा साइड में और एक बड़ा कंपनी ले रहा हूं मैं रिलायंस, क्या लगता है आपको रिलायंस अच्छा डिविडेंड देता है या आईटीसी अच्छा डिविडेंड देता है, क्या लगता है? देखो आईटीसी देखो रिलायंस का डिविडेंड डिक्लेरेशन देखो 8% पर शेयर, कभी 6.5 चलता था, कभी 7, अभी 8, थोड़ा सा बढ़ा है, तो नॉट अ वेरी गुड कंपनी फॉर, मतलब खराब भी नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है डिविडेंड के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप चेक करते रहो, अपने मर्जी से आप चेक करते रहो, डजंट मैटर। सो इतना सारा प्रैक्टिकल चीज बता रहे हो सर डिविडेंड रिलेटेड, आप कुछ लॉ भी बता दो। चलो सर वही तो काम है, हाँ काम क्या है लॉ बताना। तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो हम लोग इस पर्टिकुलर जो लॉ का पेपर है मतलब लॉ का चैप्टर है इसमें हम लोग मेनली यही सब बातें करेंगे कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में क्या कहता है और डिविडेंड पे के बारे में क्या करता है एज पर कंपनीज एक्ट। सर सेक्शन क्या है, लॉ पढ़ेंगे सेक्शन नहीं जानेंगे लॉ रूट जाएगा ना सर, हाँ रूट ना जाना, रूटना नहीं है, बिना सेक्शन का लॉ रूट जाते हैं। तो जैसे मीनिंग ऑफ डिविडेंड के बारे में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 कहता है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताना पड़ेगा आपको जो बेसिकली कंपनी फाइनेंशियल ईयर के बीच में देता है और फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में देता है। आगे और भी डिटेल्स बताता है। अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123 एंड कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। तो इस पर्टिकुलर डिविडेंड के बारे में जो कंपनीज एक्ट का एरिया है उस पर दो चीज कवर करता है, एक सेक्शन 123 और उसी के साथ साथ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का जो रूल्स हैं 2014 का, ये दोनों मिला के ये दोनों मिलके आपको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में नॉलेज देता है, मतलब वहां पर लिख के रखा है। अच्छा कहां से देते हैं, करेंट ईयर प्रॉफिट से भी देते हैं पास्ट ईयर प्रॉफिट से भी देते हैं, मतलब मानो अगर 22-23 में सीजी पावर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 22-23 का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वहां से तो देगा, उसके पुराना प्रॉफिट से भी देगा, फिर कुछ ना पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करके भी दिया जाता है। कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, कैलकुलेशंस है, एग्जाम में कैलकुलेशंस भी पूछते हैं डिविडेंड पे, मतलब क्या कितना पेमेंट करेगा उसका अलग अलग ऑप्शंस है, कैलकुलेटिव ऑप्शंस जो कंपनीज एक्ट ने बता के रखा, आपको उसको याद करके एग्जाम सिचुएशंस में जैसा सवाल करेगा जवाब देना पड़ेगा। सर अगर कोई डिविडेंड कोई शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया या फिर कंपनी ने पे नहीं किया तो क्या होगा, मतलब आपको डिविडेंड मिलता है मिलने वाला है बट आपने लिया नहीं या फिर कंपनी ने आपको दिया नहीं, तो अनपेड और अनक्लेम्ड, बात ऐसा है कि अनपेड मतलब आपको पेमेंट मिलना चाहिए था बट आपको मिला नहीं या फिर आपने क्लेम नहीं किया, सेक्शन 124। आगे बताते हैं सर, IEPF बोल के एक फंड होता है इन्वेस्टर एजुकेशनल एंड प्रोटेक्शन फंड, अगर डिविडेंड पे नहीं करता है ना कंपनी तो उस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में उसको रखा जाता है, कितना दिन के लिए चर्चा का विषय है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड, क्रेडिट टू द फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। अगर कंपनी टाइम पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा स्पेशली जब से डिक्लेयर किया है उसके 30 दिन के अंदर करना चाहिए। सर क्या बोलते हो, यस जैसे सीजी पावर ये जो कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ
सीजी पावर ने डिक्लेयर किया ना डिविडेंड, कब किया? 2 मार्च को किया। तो अगर कंपनी ने 2 मार्च को किया तो 30 दिन के अंदर, 2 मार्च से 30 डेज के अंदर कंपनी को डिविडेंड पे कर देना चाहिए, नहीं करेगा तो कंपनी लॉ का जो रूल्स है उसके उसके हिसाब से उनको क्या क्या मिलेगा, फेलियरिटी का पनिशमेंट मिलेगा, सेक्शन 127 बेसिकली पेनल्टीज होते हैं। देर आर सर्टेन कंपनीज जिसके लिए ये एग्जेम्पशंस भी हैं, अब वो देखा जाएगा कि किसके लिए एग्जेम्पशंस है। तो दीज आर दी बेसिक एरिया, मतलब बेसिक नहीं ओवरऑल एरिया जो डिविडेंड के अंदर आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है? थोड़ा हाँ ना बताइएगा सर। यस सर। थैंक यू सर। चलो अब चलो सेक्शन वाइज बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन क्या बताते हैं? 235(2)(35) मतलब 2 सबसेक्शन 35। देखो सर लॉ है, हल्का से मत लो, हाँ लॉ को हल्का से लोगे लॉ आपको हल्का कर देगा, तो डोंट टेक इट, हाँ हल्का नहीं लेना है। अकाउंट्स को जितना प्यार से करते हो लॉ को भी उतना ही प्यार से किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम ले रहा हूँ सर आजकल, मैं देख रहा हूँ लिखने का ढंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जो लोग टेस्ट देके जा रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतना हल्का मत लो, शॉर्टकट मत अपनाओ। रिसेंटली कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, मैं पेपर चेक कर रहा था तो वही मैं देख रहा था, कुछ ज़्यादा ही हल्का ले रहा है, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स करके एग्जाम दे रहा है। नहीं होगा सर, मैं तो फिर भी कभी कभी थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा इमोशंस में आके 1-2 नंबर बिठा देता हूँ। चलो ये पूरा इतना मेहनत से पेपर दिया, 2-4 नंबर दे देते हैं, लेकिन सी ए इंस्टीट्यूट या सी एम इंस्टीट्यूट या सी एस इंस्टीट्यूट व्हाटएवर भी दी एग्जाम आपका, जो भी एग्जाम इंस्टीट्यूट का एग्जाम आप दे रहे हो, वहाँ पर एग्जामिनर इतना दयालु हाँ इतना करुणा नहीं करेगा, पूरा काट के हाथ में थमा देगा, इतना ईजी मतलब, ठीक है। इसीलिए कंसेंट्रेशन सबको बुरी है, हाँ कंसेंट्रेशन बराबर रखना, और पढ़ाने के बाद मेन पॉइंट को घर पे क्या करना है, पढ़ने का टेक्निक क्या है, जैसे कम्प्लीटली डिस्कशंस हो जाए इसके बाद घर पे जो भी शॉर्टकट एरिया, मतलब शॉर्टकट मतलब एक पेन ले लेना, कॉपी ले लेना और मेन सेक्शंस को पॉइंट आउट करते रहना कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सेक्शंस पढ़े, ठीक है, उस सेक्शंस के अंदर क्या चीज़ पढ़े, क्या समझे, उसको समझ के जैसे आप समझ रहे हो, अब समझने के बाद थोड़ा सा रिवाइज करके फिर खुद से लिखते रहना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहना। लॉ भी अच्छा मार्क्स देता है, हाँ थोड़ा इंग्लिश में डेवलप करना चाहिए, इसका इंग्लिश वीक है, और हैंडराइटिंग क्योंकि लीगल पेपर है, हैंडराइटिंग खराब करोगे तो मार्क्स काटता है, हैंडराइटिंग में काम करना चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बाय डिफाइनिंग द टर्म डिविडेंड सिंपली स्टेट दैट डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है एनी इंटरिम डिविडेंड। दिस डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द टर्म मियरली एनलार्जेस इट्स स्कोप बाय इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड इन इट्स पोर्ट। मतलब नॉर्मली डिविडेंड का मतलब कंपनी एनुअल डिविडेंड देता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड को भी डिविडेंड के अंदर इंक्लूड किया गया डेफिनेशन के अंदर। अब आप बोलोगे सर कंपनी क्यों इंटरिम डिविडेंड देता है, आपके मन में सवाल होना चाहिए, एक बार साल में दे देता, बीच में देने का क्या जरूरत था? बस ये सीजी पावर इंटरिम दे रहा है कि फाइनल डिविडेंड दे रहा है? हेलो इंटरिम दे रहा है क्यों सर, इंटरिम डिविडेंड क्यों देता है सर? ये ना थोड़ा शेयर होल्डर का मोरल को बूस्ट करने के लिए, जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है ना उनको थोड़ा प्यार दिखाने के लिए कि भाई आप कंपनी को इतना भरोसा किया तो कंपनी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा, तो चलो आपको थोड़ा सा डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है, आप थोड़ा जितना भी आप मानो किसी ने 1,00,000 शेयर भी इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किया तो पर शेयर के हिसाब से हिसाब लगा लो उसको कितना मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मोरल बूस्टिंग कॉन्सेप्ट ताकि शेयर होल्डर छोड़ के ना जाए, है ना, छोड़ ना जाना मेरे साथ ही रहना, कुछ इस तरह का सोच सकते हो कि कंपनी में अगर कंपनी कुछ उसको दे रहा है इंटरिम डिविडेंड, मतलब जो कुछ दिनों तक होल्डिंग में है शेयर में उसी को देता है, अगर आज डिक्लेयर किया और आज आप अगर खरीदते हो तो आपको आज नहीं मिलेगा सर, ठीक है, उसका भी एक टाइम पीरियड है कि कब कब तक होल्ड करने से आपको डिविडेंड मिलता है और कब नहीं मिलता है, इसका भी टाइम पीरियड है, ठीक है, तो वो भी आगे आगे आपको समझ में आएगा। इसलिए एकदम क्लियरली बोला डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लेनिंग द टर्म मियरली एनलार्जेस स्कोप बाय इंक्लूडिंग, मतलब बेसिकली एक्सप्लेन करने से करने की जगह वो इंटरिम डिविडेंड को अपने अंदर लेके इसका जो स्कोप है उसको और बढ़ा दिया,
डिविडेंड इज द शेयर होल्डर रिटर्न सर, इतना देर से मैं यही समझा रहा था, ये जो किताबी बातें हैं इसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बताने का कोशिश कर रहा था, कोशिश आई थिंक सक्सेसफुल रहा होगा. डिविडेंड इज द शेयर होल्डर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द कंपनी. शेयर होल्डर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन द कंपनी, मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी को व्यवसा करने के लिए, व्यवसा मतलब बिजनेस, ठीक है, बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल दिया था उसके ऊपर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है. शेयर होल्डर ने कंपनी पे जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके रिटर्न के स्वरूप, उसके रिटर्न के तहत कंपनी उन्हें डिविडेंड देता है. डिविडेंड इज व्हाट? डिविडेंड इज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. जरूरी है, मैंडेटरी है क्या? हेलो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है क्या? यस सर. नो सर. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी नहीं है, डिक्लेयर करे तो देना पड़ेगा. लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलेगा कि हम डिविडेंड नहीं देंगे तो शेयर होल्डर कुछ दावा नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता. लेकिन अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया बोर्ड मीटिंग में या जनरल मीटिंग में तो देना पड़ेगा. लोन का इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं. सर प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ आप ये बोल सकते हो क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को कंपनी एकदम वादा करता है ना. प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर को कंपनी वादा करता है इतना रिटर्न आपको देंगे तो उनको देता है. लेकिन लोन का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का टैक्स देने के बाद, बस इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वाले को जो डिविडेंड मिलता है ना, लोन का इंटरेस्ट दे देगा पहले. पहले लोन का इंटरेस्ट देना सबसे बड़ा काम है सर, किसका? कंपनी का. उसके बाद सरकार का टैक्स देगा. ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत भी मैं आपको समझाऊंगा आगे. लोन का इंटरेस्ट देना पहला काम है, गवर्नमेंट का टैक्स देना सेकेंडरी काम, मतलब उसके बाद है, फिर प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड मिलता है. लेकिन प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलेगा क्योंकि वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है और फिक्स्ड रिटर्न के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. वो पहले ही बोल देता है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है ना, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैरेक्टर ही होता है वो फिक्स्ड रिटर्न के लिए आते हैं. कंपनी ने बोल दिया 12% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी उसको जितना भी प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो तो भी 12%, कम प्रॉफिट हो तो भी 12% देगा. लेकिन लोन का इंटरेस्ट गवर्नमेंट का टैक्स देने के बाद, पहले नहीं. तो ये आफ्टर टैक्स आइटम है. प्रेफरेंस वाले को जो देना पड़ता है वो आफ्टर टैक्स आइटम है. तो डिविडेंड ऐसे ही आफ्टर टैक्स आइटम है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड हो चाहे इक्विटी का डिविडेंड. इक्विटी तो लास्ट में मिलता है सर, जो पड़ा रहेगा उसी उसको मिलेगा. तो दोनों ही आफ्टर टैक्स आइटम, बिफोर टैक्स नहीं. याद रखें ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है. एक्चुअली हम लोग पढ़ ही रहे हैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट. अगर आपका फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो आप ये सब बात समझ नहीं पाओगे. समझ नहीं पाओगे मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे. तो चलो ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सिंपल बात है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्नड एंड एलोकेटेड. पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्नड एंड एलोकेटेड एज पेबल टू द शेयर होल्डर व्हेन एवर डिक्लेयर्ड. कितना सुंदर लिखा है, व्हेन एवर डिक्लेयर्ड, इतना सुंदर लैंग्वेज लिखा. डिक्लेयर करेगा तो देना पड़ेगा सर, डिक्लेयर नहीं करेगा नहीं देना पड़ेगा. सर अगर कोई कंपनी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, या किसी भी कंपनी में, शेयर मार्केट में ही क्यों, प्राइवेट कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो किसी प्राइवेट कंपनी का भी आप शेयर होल्डर बन सकते हो. आपने ये सोच में दिया कि मुझे कंपनी अच्छा खासा, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, चलो आपके आपका पसंद का एग्जाम्पल देते हैं. सर आजकल शार्क टैंक में क्या खबर है? मैं तो देखा नहीं, न्यू सीजन आप लोग देख रहे हो क्या शार्क टैंक? अरे न्यू सीजन देख रहे हो क्या शार्क टैंक का? कोई नया बिजनेस में किसी ने इन्वेस्ट वगैरह किया, कोई खबर है आप लोगों को? हाँ
नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है। मैंने एक खबर सुना था, बंगाल से कोई रेस्टोरेंट चेन या क्लाउड किचन वाले कोई लड़का लोग गया था, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। वो लोग 65 लाख के लिए 10% स्टेक के ऑफर किया था, लेकिन सार्क ने राजी नहीं हुआ। बट बिजनेस बड़ा पसंद आया, मैं ऐसा सुन रहा था। मैंने एक भी एपिसोड अभी तक नहीं देख पाया, बट मैंने ऐसा सुना कि ऐसा शायद हो रहा। हाँ बोल। ओटा रेस्टोरेंट क्लाउड किचन ना। अरे वो पहले वो लोग क्लाउड किचन ही बनाया था, फिर बाद में क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट को छोड़ के वो लोग रेस्टोरेंट चेन में आए। तो सही बोला है रोशनी कि वो रेस्टोरेंट बनाया, अभी अभी रेस्टोरेंट चेन है, बट स्टार्टिंग में वो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट को ही डेवलप किया था, पर बाद में क्वालिटी में। हाँ बोल। অনেক পুরনো এই রেস্টুরেন্টটা, আমি খেয়েছি, অনেক সেই। আচ্ছা প্লেট আছে। কি নাম জানো, কি নাম জানো কম্পিটিটর? WTF WPS না BS না TF, where's the food? TS? আচ্ছা কি বললি, কি আর একবার নামটা বল। Where's the food? F F আচ্ছা S আচ্ছা আচ্ছা তো চলো, আচ্ছা হ্যাঁ কিছু কো তো পতা হ্যায়, ভেরি গুড স্যার, এসে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অচ্ছা লাগতা হ্যায়। তো মানে কেনা ইয়ে চাহ রা থা কি শার্ক ট্যাঙ্ক মে জো শার্ক বিজনেস মে ইনভেস্ট করতে হ্যায়, স্টেক লেতে হ্যায়, দেখনা ওয়ো দো বাত করতে হ্যায়, শার্ক মে দেখনা মতলব জো পিচ দেনে আয়া হ্যায়, ঠিক হ্যায়, জো পিচ দেনে আয়া হ্যায়, পিচ দেনে মতলব জো আপনা ইনভেস্টমেন্ট কে লিয়ে আয়া হ্যায়, কি কোই উনকে বিজনেস মে ইনভেস্টমেন্ট করে, ঠিক হ্যায়। और सार्क जो है वो इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, वो इन्वेस्टर बनना चाहता है। लेकिन कभी कभी आप देखना सार्क ऐसे ऐसा ऑफर करता है कि 10% स्टेक लेंगे, और ऐसा भी बोलते हैं कि 10 लाख का लोन देंगे, पर्सनल लोन। तो जो लोन है वो उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा किसको, बिजनेस को, मतलब अगर जो भी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर गया है वहां पर उसका इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा। लेकिन सार्क ने जो इन्वेस्ट किया, मानो 10% स्टेक लिया, उसके बदले सार्क ने किसी के बिजनेस में मानो 50 लाख दिया। अब ये 50 लाख 10% शेयर होल्डिंग के बदले दिया है, अब इसके कारण उसको डिविडेंड मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन ये डिविडेंड क्लेम कर सकता है, लेकिन ये देना बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं। डिक्लेयर करेगा तो देना है, नहीं डिक्लेयर करेगा तो मैंडेटरी नहीं। चाहे नॉर्मल बिजनेस हो, मतलब प्राइवेट लेवल बिजनेस हो, या स्टॉक मार्केट लेवल बिजनेस हो, मतलब पब्लिक हो प्राइवेट हो, डजंट मैटर। अच्छा ठीक है, और भी देखते हैं, बहुत सारे बातें हैं सर, बात करते करते हम भी थक जाएंगे, आप भी सुनते सुनते माथा खराब कर लेंगे, लेकिन सुनना बंद नहीं करना है। द कंपनी इन जनरल मीटिंग GM, अच्छा जनरल मीटिंग का चैप्टर जो लोग कर चुके हैं खुशियां बनाओ, जिन्होंने नहीं किया दुख दुख बनाओगे क्या, अरे पढ़ लेंगे फिर से, ठीक है, पढ़ना काम है जिंदगी में और क्या काम। जनरल मीटिंग हर साल कंपनी को करना पड़ता है, मैंडेटरी है, ठीक है, नया कंपनी के लिए रूल्स है, पुराने कंपनी के भी रूल्स है, ठीक है, अभी जनरल मीटिंग पे बात नहीं करते, बस इतना समझ लो हर साल कंपनी उनके शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मिलते हैं, ठीक है, एक मीटिंग में कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए। दो तरह का अड्डा देते हैं, कभी ऑर्डिनरी अड्डा करते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस का, कभी स्पेशल बिजनेस का, ठीक है, जो भी बिजनेस रिलेटेड जरूरी बातें हैं, जो ऑर्डिनरी क्या स्पेशल क्या, अभी अभी ना सोचे, ठीक है, जो लोग जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते कोई बात, करेंटली जरूरी नहीं है। लेकिन इतना समझो कि डिविडेंड डिक्लेयर करना क्या है, ऑर्डिनरी है कि स्पेशल है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हम लोग एक अड्डा बोल के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सर, कि कंपनी अपना एनुअल अकाउंट्स को डिक्लेयर करेगा, जो ए का मतलब है, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अनदर डी फॉर मतलब एक डायरेक्टर के जगह रिटायरिंग डायरेक्टर के जगह नया डायरेक्टर आएगा, और लास्ट में ए का मतलब होता है पुराने ऑडिटर के जगह न्यू ऑडिटर आएगा, और उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। तो डिविडेंड डिक्लेयर करना एक ऑर्डिनरी बिजनेस कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली बिजनेस जो चलाते हैं ना सर, भले ही डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं हो, भले ही डिविडेंड देना मैंडेटरी ना हो, फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, क्योंकि शेयर होल्डर नहीं तो रुठ जाएंगे, ठीक है, पैसा दे रहा है कुछ तो रिटर्न दो यार, बीच बीच में बच्चे बच्चा है, बच्चे को रुलाओगे क्या, हाँ पैसा दे रहा है बिजनेस करने के लिए, रुलाना थोड़ी है, बीच बीच में कुछ करते रहो, लॉलीपॉप पकड़ाते रहो, जैसे बच्चा लॉलीपॉप पकड़ के थोड़ा चुप हो जाता है, ऐसा ही कंपनी को भी करना चाहिए, ठीक है।
The company in general meeting may declare dividends, but no dividends shall exceed the amount recommended by the board. अब बोर्ड जो रिकमेंड करेगा उससे ज्यादा नहीं पे कर सकता. बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लॉज 80 टेबल एफ इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला है. आगे आगे और देख. डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट द एजीएम. ठीक है. डिविडेंड इज नॉट ए लाइबिलिटी. पॉइंट टू बी नोटेड. जैसे हमने मैंने आपको पूछा था कि सर क्या डिविडेंड देना मैंडेटरी है, क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है डिविडेंड देना? कोई बोला हाँ नहीं सर ना. डिविडेंड कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लाता है. मतलब कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे और बदले में बोलेंगे नहीं ये मेरा लीगल राइट है. नहीं ना 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 लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. लेकिन हाँ अगर मानो ये बिजनेस का सिंपल बात है, आप किसी के किसी से पैसा लोगे बिजनेस करने के लिए और अगर उसको आप रिटर्न नहीं दोगे बीच बीच में डिविडेंड नहीं दोगे तो सेकेंड टाइम कोई दूसरा इन्वेस्टर नहीं आएगा, थर्ड टाइम कोई तीसरा इन्वेस्टर नहीं आएगा या फिर जो एग्जिस्टिंग है वो भी किसी तरह से निकलने का कोशिश करेगा. जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा वो भी निकल जाएगा. तो ऐसा करने से अल्टीमेटली बिजनेस का गुडविल इफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बिजनेस हैम्पर होता है. इसीलिए भले ही वो मैंडेटरी ना हो बट बीच बीच में खुश करते रहना चाहिए क्योंकि विदाउट शेयर होल्डर बिजनेस कुछ नहीं, विदाउट शेयर होल्डर बिजनेस कुछ भी नहीं. तो डिविडेंड इज नॉट ए लाइबिलिटी अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट ए वैलिडिटी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड जनरल मीटिंग. जब तक शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर नहीं करता है मीटिंग में बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. मैं आपको बोला ना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होगा. ऑर्डिनरी बिजनेस भी है ये. एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड और सच लोअर रेट एज दे मे डिसाइड. कौन से रेट में डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? जो बोर्ड डिक्लेयर करे या फिर उससे कम, ज्यादा नहीं. बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. Declaration of dividend by the company at a rate higher than the rate recommended by the board is not permitted. Declaration of dividend by the company at a rate higher than the rate recommended by the board is not permitted. Dividend is declared as a proportion of nominal or face value of a share. यही मैं आपको starting में बता रहा था. Dividend declare किया जाता है nominal value पे. Sir, face value का दूसरा नाम है nominal value. शेयर का नॉमिनल वैल्यू. मार्केट में खबर आता रहता है ऐसा, मार्केट में ऐसा खबर आता रहता है. आप लोगों को ये सब खबर के साथ थोड़ा बीच बीच में परिचय कर लेना चाहिए. आप बोलोगे मैं परिचय नहीं करूंगा. परिचय समझते हो? परिचय परिचय इन द सेंस रूबरू होना या फिर जानना मार्केट का खबर रखना. ठीक है. कम्युनिकेट होना मार्केट के साथ. ये देखो सर लुक एट प्लीज देखो. मैं मनी कंट्रोल में आया. मैं कहाँ आया? मनी कंट्रोल में. मनी कंट्रोल में आके मैं क्या देख पा रहा हूँ सर? यहाँ पर आप देख पा रहे हो मनी कंट्रोल में, ये एक फाइनेंशियल ऐप है सर, जहाँ पर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये सब चीज़ों का कंपनी रिपोर्ट, फाइनेंशियल्स, एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग, सभी इन्फॉर्मेशन मिलता है. बोर्ड मीटिंग, ये देखो अभी मैं आपको बोर्ड के बारे में बोल रहा था, तो कंपनी बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, राइट, सभी खबर मिलता है सर. ये सब खबर से क्या होगा? दूसरे कंपनी का खबर लेके हम क्या करेंगे? अरे वही तो बात है, दूसरे का खबर लेके आपका क्या होगा जनाब याली? पॉइंट तो यहीं पर है. लोग पढ़ना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, बस यूट्यूब में फ्रॉड टिप्स देके इन्वेस्ट करेगा, फिर बोलेगा हम तो डूब गए. ऐसा हुआ है रिसेंटली, खबर है आपको. कल सेबी ने कुछ बड़े बड़े स्टार लोगों को बैन कर दिया. ना ना ज्ञान है ना कुछ है, फ्रॉड कर दिया. किसी यूट्यूबर है कुछ समथिंग मनीष कुछ नाम है, मैं भूल गया, मनीष मिश्रा ऐसा समथिंग लाइक दैट. अरशद वारसी नाम सुने सर आप लोग अरशद वारसी के बारे में? ये कौन है? अरे जो मुन्ना भाई MBBS में सर्किट बना था रे सर, इनको बैन कर दिया मार्केट से, इनके और इनके बीवी को. स्टॉक मार्केट बैन 1 साल के लिए अभी तक, और साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तो बस सेलिब्रिटी है बोल के इनका नाम सामने आया. क्या किया इन्होंने सर? एक कंपनी है, मैं स्टेटस में भी व्हाट्सएप में भी लगाया और आज स्टॉक मार्केट क्लास में भी डिस्कस किया कि अगर आपको नॉलेज नहीं है मार्केट का, कंपनी का, बिजनेस का, आप फंस जाओगे.
साधना ब्रॉडकास्ट बोल के एक कंपनी है, साधना ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। इसका शेयर लास्ट एक साल में 2022 में देखो सर, फ्रॉड रीजन दिखा के स्टॉक का दाम को बढ़ाया गया, और फिर जैसे दाम बढ़ा मतलब यहां पर लोगों को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया गया गलत इंफॉर्मेशन से, जिसके अंदर हर्षद वारसी यूट्यूबर्स, ठीक है, जो समथिंग चैनल है आप खबर देख सकते हो, इन लोगों ने क्या किया मार्केट के मतलब इस कंपनी के बारे में झूठ झूठ अच्छा बात किया। जैसे इस कंपनी ने ऐसा बोला कि अदानी इस कंपनी को खरीद रहा है, बोला कि कुछ यूएस कंपनीज के साथ मिलके ये कंपनी कुछ नया ब्रॉडकास्टिंग काम करेगा, मतलब ऐसा झूठ झूठ न्यूज फैला के 2022 के आसपास में इस न्यूज को, मतलब उसका फॉलोअर है सब्सक्राइबर है चैनल का, लोगों ने माना, धड़ाधड़ शेयर बढ़ता गया, नॉर्मल हम आप जैसे लोगों ने शेयर खरीदा, जैसे ही बढ़ गया फिर कंपनी का सेलर के पास में ज्यादातर शेयर था, कंपनी का जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उन्हीं के हाथ में ज्यादातर शेयर है, अब जैसे ही शेयर आया अब फटाफट बेचना चालू कर दिया, और जैसे ही बेचा जो भी प्रॉफिट करना था प्रॉफिट करके निकल गया, और बाकी लोग क्या है वही बाबा जी का टुल्लू, जो प्रॉफिट हुआ था वो भी लॉस में बदल गया, और बहुत सारे लोग तो फंस भी गया। सेबी ने देखा कि इतना अचानक से ऐसा क्या बिहेव हो रहा है, पता किया, फाइनेंशियल चेकिंग किया, ऑडिट किया, तो पता चला ऐसा ऐसा बात है, शेयर रिगिंग बोलते हैं इसको शेयर रिगिंग बोलते हैं। तो अगर आप मार्केट के बारे में बिजनेस के बारे में डिटेल्स में नहीं जानोगे तो ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में फंस जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग डे टू डे लाइफ में फंसते रहते हैं, किस चक्कर में, ग्रीड के चक्कर, तो ग्रीड से बच के रहियो, ठीक है, नॉलेज से जुड़ते रहियो। डिविडेंड, अब मैं आपको क्या सुनाना चाह रहा था, मैं आपको ये सुनाना चाह रहा था, अगर आप मार्केट में भी देखोगे कंपनी लॉ रिलेटेड हर चीज आपको नजर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ITC का कॉर्पोरेट एक्शंस बोर्ड मीटिंग AGM EGM डिविडेंड्स बोनस प्लीट्स राइट्स, अगर आप समझोगे ये सब पढ़ेंगे ना, यस, ये सारा बात कंपनी लॉ में पढ़ना है। अच्छा देखो सर, यहाँ पर ITC ने 3 February 2023 को डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन किस टाइप का, इंटरिम डिविडेंड परसेंटेज बोल रहे 600%। सर क्यों 600%? हेलो, इसका वैल्यू बोल रहा है 6 rupees। अब ये 6 rupees कैसे हो गया 600%? मतलब शेयर का वैल्यू कितना है, शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है, कोई तो बता दे मुझे ये राज क्या है, कौन बोलेगा, सर डिविडेंड परसेंटेज 600% है, डिविडेंड रुपीज 6 है, 6 टका डिविडेंड दे रहा है पर शेयर पे, तो 600% है तो नॉमिनल वैल्यू कितना है, यही तो सवाल किया मैंने, आप लोग सुन रहे हो चुप क्यों, जवाब दो सर, 1 rupee सर, थैंक यू वेरी मच, 1 rupee, यही ITC का फेस वैल्यू है सर, कहाँ पता चलेगा, आप ITC का फाइनेंशियल्स में क्लिक करो मिल जाएगा। ऐसा लास्ट ईयर जब फाइनल डिविडेंड दिया था 2022 के मई महीने में, तब 625% मतलब 6.25% पर शेयर पे डिविडेंड दिया, उससे पहले भी कंपनी ने इंटरिम फाइनल दो दो बार करके डिविडेंड देता रहा। अभी देखो फाइनेंशियल्स में क्लिक करेंगे आपको मैं फेस वैल्यू दिखा दे रहा हूँ, मन छोटा क्यों करना है सर, दिखाया नहीं, दिखा रहे हैं सर, क्या लेके जाना है सब देखे जाना, जानो तो जाने, नहीं जानोगे तो कैसे पता लगेगा, ये देखो किताबी बात पढ़ के तभी याद रख पाओगे जब समझदार बनोगे, ये देखो कितना बोला है फेस वैल्यू 1, शेयर का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 384 ये देखो 3 प्रीवियस क्लोज 375.55 बता रहा है, सॉरी 375.55, लेकिन फेस वैल्यू में 1, बुक वैल्यू बोल रहे सर
बुक वैल्यू 49.53, मतलब ये एक्चुअली करेंट मार्केट के हिसाब से, मतलब करेंट अकाउंट्स के हिसाब से वैल्यू 49.53 पर शेयर। बिजनेस अच्छा है, फेस वैल्यू इतना है मिनिमम वैल्यू, और डिविडेंड किस पे दिया जाता है, बुक वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू, बस यही तो कहना था, यही तो कहना था, और कुछ? थैंक यू। चलो और देखते हैं, एबी लिमिटेड has issued equity share having face value of rupees 10 per share. The shares are currently quoting at NSE, मतलब National Stock Exchange में 250 per share करके चल रहा है। Example है, मैं तो आपको live example दिखा रहा हूँ। The company at its AGM, AGM कब हुआ? 27 जुलाई 2020 को, बढ़िया है, करने दो। Has declared a dividend of 20%, company ने बोला हम 20% dividend देंगे। Mr. Shekhar owns 1000 shares, which he purchased at rupees 300 per share. शेखर ने 1000 शेयर होल्ड किया जो उसने खरीदा है 300 पर शेयर पे। आपको सवाल कर रहा है सर उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, बताओ कितना डिविडेंड मिलेगा, बोलो सर कितना डिविडेंड मिलेगा शेखर को, हाउ टू कैलकुलेट। पर शेयर 10 रुपीज डिक्लेयर किया, सॉरी 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, डिक्लेयर डिविडेंड 20% पर शेयर, मतलब ओवरऑल 20% डिक्लेयर किया, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 2 रुपीज पर शेयर। शेखर ने इन्वेस्ट कितने का किया, 1000 शेयर पे, तो 1000 × 1000 × 2, तो शेखर को कितना डिविडेंड मिलेगा, वैल्यूएशन कितना है 2000 वैल्यूएशन। कोई शक, कोई डाउट है सर, बोलो। एनी डाउट सर? आई होप कि आप सबको समझ में आया डिविडेंड क्या कैसे खेल खेलता है, सिंपल कैलकुलेशन था। और एग्जांपल yes. देखते हैं। ओके सर, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं फिर से बता दूं। 10 का शेयर है, 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 10 पे 20%, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड होता है, तो 2%। शेखर के पास 1000 शेयर है, 1000 × 2 करके 2000 डिविडेंड उसको मिलेगा वैल्यूएशन प्राइस। अनदर एग्जांपल, द शेयर होल्डर एट एन एजीएम, एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग, अनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कोई अपोज नहीं किया, रेजोल्यूशन पास कर लिया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट ए रेट हायर देन दैट रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर ने जो रिकमेंड किया था उससे ज्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर ने मीटिंग में पास करवाया कि हमें इतना डिविडेंड दिया जाए। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये बात कितना टिकेगा, क्या ये लॉ पास करा सकता है, यही तो नियम है, यही तो जानना है। वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप लोग एओए के बारे में सब जानते हैं। एओए क्या है सर? एओए इज द रूल बुक जिसके बेसिस में कंपनी चलता है। एमओए क्या है सर? एमओए इज व्हाट? एमओए इज द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव, अपना सब सारा डिटेल्स बता के रखता है, और एओए डे टू डे हिसाब किताब के हिसाब से कंपनी अपने आप को रूल के हिसाब से चेंज करके भी चला सकता है, पास करना पड़ता है रेजोल्यूशन वगैरह पास करके, जो भी चेंजेस करेगा कर सकता है। आगे आगे आपको मैं और भी चीजें बताऊंगा, ऐसे आप लोगों को मैं कंपनी लॉ बेसिक्स में ये सब चीज बहुत डिटेल्स में ही बोला, विद एग्जांपल्स, विद केस स्टडीज, पेटीएम वगैरह का बहुत सारा केस मैंने एग्जांपल दिया था। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एओए यूजुअली कंटेन्स प्रोविजंस विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा इसके बारे में एओए बोलता है। ऑन द पैटर्न ऑफ रेगुलेशंस 80-85 ऑफ टेबल एफ, तो शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना ये जो नाम धाम बोला है। अंडर रेगुलेशन 80 द पावर टू डिक्लेयर अ डिविडेंड वेस्ट विद द जनरल मीटिंग, रेगुलेशन 80 बोलता है डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड वेस्ट विद द जनरल मीटिंग
but not even all shareholders have the power to declare a dividend exceeding the amount recommended by board of directors. सिंपल बात कहता है कि डिविडेंड क्या होगा इसका ताकत जनरल मीटिंग में दिया गया है बट नॉट इवन ऑल शेयर होल्डर्स हैव द पावर सारे के सारे शेयर होल्डर को ये पावर नहीं है कि वो डायरेक्टर के बात के ऊपर जाके डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए ओके तो कर सकता है बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस यस देयर आर सम पावरफुल शेयर होल्डर हु कैन डू दैट बट नॉट ऑल ठीक है बट नॉट इवन ऑल द शेयर होल्डर्स हैव द पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब सारे शेयर होल्डर मिलकर भी ये नहीं कर सकता मतलब डायरेक्टर का जो पावर है वो ज्यादा है लेकिन इसको जनरल मीटिंग में ही डिक्लेयर किया जाएगा अंडर रेगुलेशन 80 द पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड बेस्ड विद द जनरल मीटिंग जनरल मीटिंग में तो ये है बट नॉट इवन ऑल द शेयर होल्डर्स हैव द पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्रॉस करना संभव नहीं ठीक है अब आगे और भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आप करेंगे इस तरह का बात पे ठीक है तो इसका याद रखे डायरेक्टर का रोल पे बहुत बड़ा है ऐसे हम लोग कुछ ही देर पहले बोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर एट द एजीएम एंड डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी मतलब बोर्ड डिक्लेयर करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा और शेयरहोल्डर उसको अप्रूव करेगा तो ऑब्वियस बात है कि शेयरहोल्डर डायरेक्टर के ऊपर नहीं जा सकता ठीक है जाहिर सी बात बोलो सर अभी तक का डिस्कशन क्लियर है फिर मैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड में चलूंगा टाइप्स ऑफ डिविडेंड इंटरिम एंड फाइनल ऑलरेडी मैं दिखा दिया ऑलरेडी हम लोग अभी अभी देखे है ना अभी अभी देख के आए कहां से मनी कंट्रोल के साइड से जाके कि भाई इंटरिम डिविडेंड कब दे रहा है फाइनल डिविडेंड कब दे रहा है उसका परसेंटेज को कैसे डिक्लेयर कर रहा है अभी अभी तो देखे हैं अभी अभी ना करो बात इंटरिम डिविडेंड सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 एंड ऑल्सो सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 क्या कंटेन करता है सर कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरिम डिविडेंड फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने चाह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है ऐसे 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये क्लोज कब हो जाएगा 31 मार्च 23 को इसके बाद इस साल का जो जनरल मीटिंग है 6 महीने के अंदर कर लेना पड़ेगा है ना सर मैक्सिमम 6 मंथ्स टाइम पीरियड है नया कंपनी है तो 9 महीने का टाइम मिलता है बट इसके पास विथ एक्सटेंशन लेके 6 महीने का टाइम एक ही बार में देता है तो आपको विद इन 6 मंथ एजीएम कर लेना चाहिए अब आप एजीएम के अंदर मतलब जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और जो न्यू एजीएम है जो 23 या 24 के बीच में आप करेंगे उसके बीच में अगर कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है ठीक है The declaration of interim dividend is done out of profit before the final adoption of the accounts by the shareholder. So, ये interim dividend का declaration कैसे होता है? Profit से ही होता है. But final adoption of accounts लेने से पहले shareholder का and therefore interim dividend is said to be declared and paid between two AGM. So, फिर in simple, 22-23 का AGM और 23-24 के AGM इनके बीच में जो dividend दिया जाए two AGM के बीच में ठीक है इसे interim dividend कहलाता है ठीक है बाकी आप लोग जब एजीएम का चैप्टर जिन लोगों ने कवर कर लिया उसको पता है कि क्या टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट है मैं अभी एजीएम के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बाकी जो एजीएम का डिटेल्स जब करेंगे जिनका नहीं हुआ है और जिनका हो चुका है वो रिवाइज करें अभी ठीक है अभी उतना जरूरी नहीं है बस इतना नॉलेज चाहिए था आपको कि दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए उसे इंटरिम डिविडेंड कहलाता तो इतना तो पता होना चाहिए द सोर्स ऑफ डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड कहाँ कहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस है प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड जिस साल आप डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं मतलब मानो 22-23 में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं तो उस साल के प्रॉफिट से दे सकते हो प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड Profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend.
एक साल में कितना क्वार्टर होता है? एक साल में कितना क्वार्टर आता है सर? चार, है ना? जैसे मानो लास्ट क्वार्टर क्या है, बोलो। मार्च मार्च स्टार्ट कब से होता है? जनवरी से। जनवरी से मार्च तो जनवरी से मार्च के बीच में मानो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है? तो जनवरी से मार्च के बीच में अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो क्या बोल रहा है सर? प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो जनवरी से मार्च क्वार्टर से पहले आपका जो प्रॉफिट रहा है, मतलब अप टू दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर तक आपका जो प्रॉफिट रहा है, आप वहां से भी डिविडेंड दे सकते हैं। तो तीन सोर्स हो गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस अगर बैलेंस है, सरप्लस पड़ा हुआ है वहां से दे दो, फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है जिस साल आप डिक्लेयर कर रहे हो वहां से दे दो, या फिर जिस क्वार्टर में आप डिक्लेरेशन कर रहे हो उसके पीछे जो भी उस साल का जो भी टाइम पीरियड है वहां तक जो भी प्रॉफिट हुआ है वहां से दे सकते हैं। तो कहीं से भी दो इंटरिम डिविडेंड, बट दीज आर दी मेन सोर्सेस, इसी को फॉलो करना चाहिए। इंटरिम डिविडेंड कौन से प्रॉफिट यूज करके देगा वो बोला बोला क्या? डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल बी रेटिफाइड एट दी इंश्योरिंग एजीएम बाय दी मेंबर्स, ठीक है? मतलब जो कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है वो सब एजीएम में ही हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर करेगा? एजीएम में करेगा। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस, ठीक है, इफ द कंपनी अगर, अच्छा अब सवाल उठता है सर, डिविडेंड तो प्रॉफिट पे दिया जाता है, तो अगर कंपनी लॉस करेगा तो क्या होगा? हाँ सर, नॉर्मली डिविडेंड तो प्रॉफिट से दिया जाता है, तो अगर कंपनी लॉस करेगा तो क्या होगा? कहाँ बात कर रहे थे? हाँ सर, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल बी रेटिफाइड एट द इंश्योरिंग एजीएम, मतलब बेसिकली एजीएम में पूरा ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर देता है ना? रेटिफाई मतलब ऑफिशियली वैलिड कर। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड, सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर। ओहो, क्या बात कर दिया सर, क्या बात कर दी, ये थोड़ा समझना। कहता है इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में, अब करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब करंटली हम लोग का 22-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का लॉस हुआ, इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मतलब मानो जनवरी टू मार्च अगर इस पीरियड में कंपनी ने डिक्लेरेशन किया डिविडेंड का, ठीक है, तो उससे पिछले क्वार्टर तक का जो भी कंपनी का हिसाब किताब है, इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट, हाँ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है भले ही जनवरी टू मार्च क्वार्टर से पहले, मतलब अप्रैल टू दिसंबर के बीच में कंपनी लॉस में जा रहा है, ठीक है? अब इस लॉस के ऊपर क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगा? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगा, बट एक लिमिटेशन है, डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगा, सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 3 साल में, मतलब 21-22, 2021 एंड 1920 का जो डिविडेंड है उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए चलो थोड़ा आगे और बता देते हैं। इफ अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 16% ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 3 साल में प्रीसीडिंग 3 साल में, मतलब अगर करंट फाइनेंशियल ईयर इज 22-23, तो इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स क्या होगा? वही 21-22, 21-19-20, कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था?
16%। देन इन केस द कंपनी इनकर लॉस, अगर कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है, बातों को समझे, अगर कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है, इट इज परमिटेड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट ए रेट विच इज नॉट हायर देन 16%। सिंपल बात है, अगर कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू लेटेस्ट क्वार्टर, मतलब अगर जैन टू मार्च क्वार्टर से पहले का जो भी लॉस हालत है उस हालत में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, पर पिछले 3 साल के डिविडेंड से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 16% से ज्यादा डिविडेंड तो कंपनी बिल्कुल नहीं दे पाएगा, 16% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाएगा। जैसे अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले डिविडेंड के बारे में पढ़े कि कंपनी का फेस वैल्यू तो था 10% और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 20%, तो हम लोग देखा कि कंपनी पर शेयर में 2% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 16% बने 1.60 पैसा। जैसे आज का जो खबर में आपको सुबह सुबह सुनाया, आज आपको एक सुबह सुबह खबर सुनाया ना, क्या खबर सुनाया सर आपको, एकदम अर्ली क्लास में कहाँ चला गया, सीजी पावर, इसने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, 1.5 पर शेयर, मतलब 1.5% 1.50 पर शेयर, 1.5 रुपया का पर शेयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, फेस वैल्यू कितना है 2%। अब आप हिसाब लगा लो कि 2% में 1.5% दे रहे तो कितना परसेंटेज दे रहे, 2% में 1.5% दे रहे तो कितना परसेंटेज दे रहे, आप हिसाब लगा लो, समझ रहे ना सर। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपोजिटेड इन ए सेपरेट अकाउंट, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपोजिटेड इन ए सेपरेट अकाउंट मेंटेन्ड विद द शेड्यूल्ड बैंक विदिन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करता है, जैसे सीजी पावर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कल, यस्टरडे, 5 दिन के अंदर सीजी पावर को एक सेपरेट अकाउंट शेड्यूल्ड बैंक मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक में जमा करवाना होगा जितने का डिविडेंड अमाउंट होगा, ओके, ऑल प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल आल्सो अप्लाई इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड में जितना प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, इंटरिम डिविडेंड भी उतना सारा ही चीज एप्लीकेबल होता है, क्लियर, यस और नो, प्लीज बोलो सर, कोई सवाल है तो कर लो। यस सर, क्लियर सर, फाइनल भी बता दो, इतना दूर आ गए तो फाइनल क्या दोष कर लिया, किसी ने कोई दोष नहीं किया, बस पढ़ते जाना है। When the dividend is declared at the annual general meeting of the company, it is known as final dividend. जब dividend AGM में declare किया जाता है, उसे हमेशा final dividend ही माना जाएगा। इसका मतलब क्या AGM छोड़ के final dividend नहीं आता? नहीं सर, final dividend तो सिर्फ AGM में ही आता है। तो दो AGM के बीच में जब कंपनी declare करता है तो उसे interim बोलते हैं। मानो कि second और third AGM के बीच में कंपनी ने dividend declare किया, that is interim dividend. AGM में डिक्लेयर किया तो फाइनल डिविडेंड, ये देखिए यहां पर मैं आपको, कंपनी ने कभी ITC ने कभी इंटरिम दिया, कभी फाइनल दिया, कभी इंटरिम दिया, कभी फाइनल दिया, फाइनल जब जब दिया है बेसिकली वो AGM का डिक्लेरेशन, पर जब जब इंटरिम दिया है वो बीच में, दो AGM के बीच में डिक्लेयर किया गया तभी वो इंटरिम का है। डिविडेंड तो डिविडेंड ही है बट कॉन्सेप्ट ऐसा है। अच्छा, द रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड कैनॉट बी इंक्रीज बाय द मेंबर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया उसको मेंबर इंक्रीज नहीं कर सकता। चलो एक समरी देख लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बीच में एक समरी देख लेते हैं, अकाउंट्स करने के टाइम पे भी काम आता है, अकाउंट्स करने के टाइम पे भी अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी घुमा के सवाल करता है सर, CA CMA CS लेवल में सवाल जवाब, अकाउंट्स लेवल में, कंपनी अकाउंट्स लेवल में घुमा फिरा के सवाल हो सकता है, तो अगर आपका लॉ का भी ज्ञान हो, आप देखना बीच बीच में मैम भी आप लोगों को अकाउंट्स कराने के टाइम पहले मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर का लॉ भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ के ऊपर बेस करके ही तो अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट्स नियम के बाहर थोड़ी है। Interim dividend is declared and paid during an accounting year, that is before the finalization of accounts for the year. The accounts finalization होने से पहले dividend declare किया जाए तो interim होता है,
Final dividend is dividend recommended by the board of directors and approved by the shareholder of the company's AGM after the close of financial year. Financial year close करने के बाद AGM में shareholder के demand पे board of directors के approval में जो dividend declare करेगा वो final dividend कहलाएगा. Announced by board of directors, recommended by board of directors and approved by shareholder. Interim dividend में shareholder का recommendation नहीं चाहिए होता है, ठीक है. लेकिन फाइनल डिविडेंड में, फाइनल डिविडेंड जो होता है वो रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स. फर्क है, ठीक है. टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पीएल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाने से पहले, और ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. रिवोकेशन, इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, मतलब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी अगर शेयर होल्डर का कंसेंट लेके, शेयर होल्डर का कंसेंट लेके, ओपिनियन लेके रिवोक करने का, कैंसिल करने का सोचे तो कर सकता है. बट फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया, रिवोक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो बार अप्रूवल के लिए जाता है. जैसे इंटरिम में शेयर होल्डर तो नहीं है ना, इंटरिम में शेयर होल्डर का रिकमेंडेशन या अप्रूवल नहीं है, बट फाइनल में तो रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर है ना, इसीलिए इंटरिम को वो मौका दिया जाता है. अगर कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकता है. तो सर अचानक से क्यों कैंसिल करेगा डिविडेंड, एक बार हाँ बोल के फिर क्यों कैंसिल करेगा? सर अगर मानो कंपनी का कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ गया, ठीक है, तो कंपनी बोर्ड जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने मेंबर को कि देखो हमारे बिजनेस में अभी थोड़ा टर्मोइल चल रहा है, आपका साथ चाहिए, ठीक है, आपका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका साथ लेके ही तो कंपनी चलता है. जैसे अचानक से हो सकता है कि कंपनी का कोई लोन का टाइम आ गया, हो सकता है कि कंपनी जिस पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस करते हैं वहां पर किसी भी तरह का क्रिटिकल सिचुएशन या अगेंस्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा करोड़ों में, मतलब अगर 100 करोड़ भी डिविडेंड डिक्लेयर के लिए चला जाता है तो भी बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल रिस्क आता है, तो इन दैट केस कंपनी चाहे तो ऑन दैट पीरियड के लिए उसको रिवोक कर सकता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग एज पर मतलब एवरीथिंग इज फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी. अगर फाइनेंशियल कंट्रोल ही अगर छूट जाए हाथ से तो उसके लिए लॉ में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता. अच्छा, प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द आर्टिकल स्पेसिफिकली परमिट द डिक्लेरेशन. अच्छा, इंटरिम के लिए एओए में बोलना जरूरी है स्पेसिफिकली कि हम इंटरिम डिविडेंड देंगे, मतलब एओए में इसका ऑल्टरेशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका ऑल्टरेशन चाहिए. बट अगर मैं फाइनल का बात करूं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल. ख्याल रहे बात, कहते कहते बहुत वाइटल चर्चा हो जा रहा है सर, याद रखे, ख्याल रखे बात का. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर एंड शेयर डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल, ठीक है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर does not require any specific provision in the article. मतलब article of associations में इनको किसी भी तरह का specific provisions maintain करने का जरूरत नहीं होता है. जैसे कि आपको मैं starting of the class में ही बोला कि there are basically two types of shares. Even इनकी चर्चा में financial management class या company law basics में भी कर लेता हूँ. Preference share होता है, equity share होता है. Preference share का भी तरीका होता है, there is a types of preference share. Cumulative कोई बाकी नहीं रहेगा, हर साल का पेमेंट करते जाओ. तो जैसे मानो अगर आपने 2016-17 से, फ्रॉम 2016-17 से किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हो, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है आपका, तो हर साल का डिविडेंड आपके अकाउंट में क्यूमुलेट होता जाएगा. से फॉर एग्जांपल आप एवरी ईयर फ्रॉम 16-17 ऑनवर्ड्स 10,000 करके आपको डिविडेंड मिलता है, तो 16-17, 17-18 से इस तरह से जो भी एज पर दी अमाउंट आपके अकाउंट में जोड़ता जाएगा, और अल्टीमेटली फुल पेमेंट जब डिक्लेयर होगा तब कर दिया जाएगा. लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं, कोई एरियर नहीं रहेगा, कोई बाकी वाका नहीं रहेगा, हर साल का पेमेंट हर साल करते जाओ.
एंड देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ इक्विटी शेयर। सर इक्विटी शेयर को डिविडेंड पेमेंट करने का क्या तरीका है? और एक बात कह दूं जो यहां पर बोला नहीं है, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मतलब सर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि अगर, इसीलिए देखना आप लोग अकाउंट्स करने के टाइम पे, कंपनी अकाउंट्स करने के टाइम पे ऐसे ही पढ़ते हो 14% प्रेफरेंस शेयर बोला है अकाउंट्स। इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर 14% में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको 1 लाख दूंगा आपके जरूरत में और मेरे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बट बदले में आप मुझे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 14% रिटर्न जरूर देना। इट्स लाइक दैट सर। इक्विटी डिविडेंड डिपेंड ऑन डिविडेंड पॉलिसी। इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना डिविडेंड पॉलिसी का पार्ट। ये कहां पढ़ोगे डिविडेंड पॉलिसी? इज अ चैप्टर इन एफएम। एफएम क्या है? फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहां पर आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मतलब विदर यूर डूइंग सीए, विदर यूर डूइंग सीएस और सीएमए, वो बहुत लोग हैं जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं। कोई सीए सीएमए का एग्जाम देता है एक साथ, कोई सीए सीएस का एग्जाम देता है एक साथ, कहीं भी दे दो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली ज्ञान का सागर तो वही है जो आप सीख रहे हो, जो जान रहे हो ना। व्हाट इज द पॉइंट सर? द डिविडेंड डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड पॉलिसी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैं आपको पहले भी बोला, प्रेफरेंस को देने के बाद अगर कुछ बचता है तो ही इक्विटी को मिलता है। चाहे कितना भी पॉलिसी बना लो, डजंट मैटर, चाहे कितना भी पॉलिसी बना लो फर्क नहीं पड़ता। मतलब अल्टीमेटली इक्विटी शेयर कंपनी का अपना लोग होते हैं, मतलब जो कंपनी के सुख दुख में साथ होते हैं। इसीलिए जब आपको किसी कंपनी का फाइनेंशियल चेक कराऊंगा, ये कंपनी का मैं आपको एक सिंपल सा फाइनेंशियल्स बता रहा हूँ। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट देखो आप। ये मैंने क्लिक किया इनकम पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिख रहा है ना आप लोगों को? इनकम है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है। यही तीन मेनली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे पॉपुलर है और इसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? द इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्ड ओवर द रिपोर्टिंग पीरियड। परफॉर्मेंस इज असेस्ड बाय समराइजिंग द बिजनेस इनकर्स इट्स रेवेन्यूज एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड ओवर द पीरियड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पीएल स्टेटमेंट, ठीक है सर? ये तो जानते हैं, पीएल स्टेटमेंट क्यों सिखा रहे हो? अरे कहां पीएल स्टेटमेंट सिखा रहे हैं, देखो कंपनी का पीएल स्टेटमेंट सबसे पहले कंपनी का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करता है। टोटल रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए, टोटल रेवेन्यू मतलब जो उसका सेल का अमाउंट है, फिर वहां से कंपनी का जो एक्सपेंस है रॉ मटेरियल के लिए, पावर फ्यूल के लिए, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस, सब कुछ माइनस करके उन्हें EBITDA बनता है। EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मिला के कंपनी का प्रॉफिट का हालत। इसके बाद EBITDA से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से कंपनी को क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को हटाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है और अमोर्टाइजेशन कंपनी के इंटेंजिबल्स पे लगता है, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल एटसेट्रा, ठीक है? अब जैसे कंपनी अपना डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर देता है तो कंपनी के पास जो पड़ा रहता है वो भी कंपनी का प्रॉफिट है, बट इसे PBIT या EBIT कहते हैं। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी नाम से पुकार, मतलब वही होता है। जैसे आपका PBIT कैलकुलेट हो जाए फिर आपको PBT कैलकुलेट करना पड़ता है। अब कंपनी का ये पहला प्रॉफिट है, PBIT और EBIT इज एक्चुअली कंपनी का पहला प्यार, तो पहला प्रॉफिट, पहला प्यार है, सुने हो ना? पहला प्रॉफिट है। कंपनी ऐसे गाना गाते हैं, आशिक लोग जो होते हैं वो पहला प्यार का गाना गाता है, और जो कंपनी होते हैं वो भी आशिक है बट बिजनेस का आशिक, ठीक है? वो ऐसे बोलते हैं पहला प्रॉफिट है। अब पहले प्रॉफिट से कंपनी जो पहला इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, सबसे पहले पहले प्रॉफिट से सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के पास जो बचेगा उसे हम PBT और EBIT कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे वही तो बताने चाह रहे हैं कि किस तरह से इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड के बीच में फर्क होता है। अब देखो इंटरेस्ट कंपनी ने पे कर दिया, PBIT से PBT कैसे मिला? लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारा एक एक टाइप ऑफ लोन है,
एक एक टाइप ऑफ लोन है, लोन डिबेंचर बॉन्ड सब टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन है, देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। लोन का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, बॉन्ड का इंटरेस्ट सब दे दो, बचा रहेगा तो पीपीटी। पीपीटी से सरकार आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई हमारा टैक्स दे दो, दे दो 29,000 का टैक्स दिया है किसने, आईटीसी ने इस साल 29,000 का टैक्स दे दिया, रिलायंस ने 29,000 का टैक्स दे दिया, बढ़िया किया। इसीलिए तो बिजनेस जरूरी होता है, ये लोग पैसा देता है तभी तो देश चलता है। फिर जैसे ही टैक्स आ गया फिर नेट इनकम आता है। अब खेल है डिविडेंड, दोनों डिविडेंड का, अब खेल है दोनों डिविडेंड का। ये जो नेट इनकम है ना सर, ये नेट इनकम पे आने से पहले पीबीटी और नेट इनकम के बीच में कौन है, बीच में है प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो नेट इनकम और पीबीटी के बीच में प्रेफरेंस डिविडेंड है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सबसे पहले अगर 14% प्रेफरेंस बोला था या 15% प्रेफरेंस बोला था, और मानो मार्केट में करीब 10 करोड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी को वैल्यूएशन दिया था, तो कंपनी को 10 करोड़ का 14% देना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी के पास नेट इनकम आएगा। अब इस नेट इनकम पे कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देगा उसी को अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं, कि पर शेयर में कंपनी का एक शेयर होल्डर कितना अर्न कर रहा, ठीक है, मतलब अर्निंग भी है। और यहाँ पर देखो मतलब नेट इनकम को नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं, नेट इनकम को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो अर्निंग पर शेयर मिलेगा, और यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर जो कंपनी डिक्लेयर करेगा, जितना शेयर होल्डर है वो अपने शेयर होल्डिंग के ऊपर बेस करके पर शेयर में डिविडेंड हाथ मिलेगा। तो आपने एक चीज ख्याल किया, पहले आप प्रेफरेंस को दे दो, बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा। ये जो डीपीएस है ये किसका डीपीएस है, ये इक्विटी का डीपीएस है, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। हेलो, क्लियर है ना बात, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। बोलो सर, बोलो, आप लोगों का हाँ मुझे कॉन्फिडेंस देता है। हाँ या ना, तो कहो, कनेक्टेड है कि नहीं, आप किसी का भी आवाज मेरे तक तो पहुंच नहीं रहा। ओके जी, सनाल, रवि, रवि रवि समझ में आ रहा है, रोशनी, शालिनी, विश्वजीत, शिवम, माथा में जा रहा है ना सर? यस सर। ओके सर, सर प्रेफरेंस शेयर कौन है बोला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेयर होल्डर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एश्योर्ड ऑफ ए प्रेफरेंशियल डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस डिविडेंड अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नॉन क्यूमुलेटिव ही नेचर का होता है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब हर साल देते रहो, एंड नीड नॉट बी पेड इन एनी ईयर वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, एंड नीड नॉट बी पेड इन एनी ईयर वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका प्रॉफिट थोड़ा डेफिशिएंट है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर भी दो तरह का होता है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, मैं आपको अभी बोल रहा था। तो क्यूमुलेटिव कैसे होता है ऑलरेडी बता दिया, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिविडेंड गेट्स एक्युमुलेटेड इन एनी एरियर्स ऑफ सच डिविडेंड अराइजिंग ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर इज पेबल फ्रॉम द प्रॉफिट अर्नड इन द लैटर ईयर। मतलब अगर करंट ईयर में सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है और अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको करंट प्रॉफिट मतलब वो जोड़ जाएगा, ड्यू हो जाएगा, बाद में मिलेगा। Until and unless dividend on cumulative preference share is paid in full, including arrears, मतलब जो बाकी है, if any, no dividend is payable on equity shares. जब तक preference shareholder का कोई भी पैसा बाकी रहेगा, तब तक equity को कुछ नहीं मिलेगा। Preference को बाकी रख के equity को कुछ payment नहीं कर सकते आप। अगर preference ने 15% preference share है, 15% preference share है, मतलब अगर company ने मानो market से 100 crore का preference share उठाया है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी ऐसे बड़े बड़े अमाउंट उठाते हैं। अब मानो किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी का प्रॉफिट हल्का था तो 15% पूरा नहीं दे पाया, 10% दे पाया, 5% अभी भी बाकी है, तो जो बाकी है वो पहले पे करो, बाद में इक्विटी को देखना सर।
क्योंकि इक्विटी कंपनी के सुख दुख का साथी है ना, तभी तो ट्रू ओनर कहलाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर है, बट दे आर नॉट कॉल्ड ट्रू ओनर। सर हम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट करते हैं? सर हम इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इसलिए लॉस भी हो जाए रो सकते हो, पर जाके चिल्ला नहीं सकते। हाँ अगर कंपनी आपको धोखा दे रहा है, मिसलीड कर रहा है, जरूर चिल्ला सकते हो, और चिल्लाने से सेबी भी बात को सुनता है। खबर दिखाए ना साधना ब्रॉडकास्ट का, बट कुछ कर नहीं सकता, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको भी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना नहीं आता, इसका गलती सेबी का नहीं है। सही गलत पहचानने का नॉलेज अगर आपके अंदर नहीं है, इसका जिम्मेदारी सेबी नहीं लेगा। नॉलेजेबल बनो, सतर्क रहो, बिना ज्ञान का काम करोगे तो मुश्किल में फंसोगे, तो उसका जिम्मेदारी सेबी नहीं लेगा। और अगर आप इक्विटी हो तो, लोन वाले हो तो फिर भी सेबी देखेगा, फिर भी नहीं देखेगा। अगर आप लोन प्रोवाइडर हो, कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया, रूल्स रेगुलेशंस इतना टाइट है कि लोन होल्डर का पैसा किसी भी तरह से पेमेंट करने का काम सेबी करेगा। आप लोगों में दो चार चैप्टर कराया फाइनेंशियल सॉरी कंपनीज एक्ट में, जैसे कि चार्ज का चैप्टर है ना, फिर आपका डिबेंचर का चैप्टर, ये सब आपने देखा कि किस तरह से कंपनीज एक्ट भी लोन होल्डर के साथ रहते हैं। जो पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में पढ़ने लगते। सो नॉन क्यूमुलेटिव, सर नॉन क्यूमुलेटिव इज इन वन वेयर डिविडेंड इज पेबल ओनली इन इन ए ईयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो दे देना, देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन ए ईयर ड्यू टू एनी रीजन, द राइट टू रिसीव सच डिविडेंड फॉर दैट ईयर एक्सपायर्स एंड द होल्डर ऑफ सच अ शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी पेड एरियर्स ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ फ्यूचर ईयर्स। सर गजब है, कंपनी के लिए गजब है, कंपनी ऑलवेज नॉन क्यूमुलेटिव ही करेगा। सर अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो नॉन क्यूमुलेटिव क्यों हो जाता है? प्रॉफिट में देगा लॉस में, तभी तो डिविडेंड कहलाता है। लेकिन आप लॉस भी करोगे तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। मार्केट से लोन लेके बिजनेस करोगे, प्रॉफिट ना भी हो फिर भी इंटरेस्ट कैसे भी करके देना है, तभी तो दिखाया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी ना दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक एक करके। याद रखे सर, नॉन क्यूमुलेटिव का बड़ा सा कैरेक्टर, एक्सपायर हो जाएगा, अगर आपका डिविडेंड एक्सपायर हो गया तो गया। इसीलिए जब कंपनी मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, चेक कर लो कि किस तरह का प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। मार्केट में खबर आता है सर, ये देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 4 हफ्ता पहले का खबर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू रेज 216 करोड़ वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब इसमें आप चेक कर लो, जाके देख लो कि ये प्रेफरेंशियल जो इशू करेगा, ये जो प्रेफरेंशियल बेसिस में शेयर इशू करेगा, ये क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है, चेक कर लो सर। ऐसे बहुत सारे न्यूज मार्केट में घूमता रहता है, नॉलेज क्या है ना, ऑलवेज फ्लो होता रहता है, आपके ऊपर है पकड़ पाना है कि नहीं है। दिखा दिया आपको सोर्स किस तरह से चेक करना है, अब आप चेक करते रहो, अपने आप को बनाते रहो। इक्विटी वाले सर कौन है? इक्विटी इक्विटी शेयर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, इधर ये क्या डेफिनेशन है? यही है जो है, यही है। इक्विटी शेयर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलता, सिंपल था, सुख दुख के साथ प्रेफरेंस नहीं दिया जाए। जैसे लाइक सर मानो कि आपके घर में आपका कजिन ब्रदर्स, लाइक मानो कि आपके मटर्नल हाउस से आपके भाई बहन लोग आपके घर में आए, जब तक वो लोग आपके घर में रहेगा, मतलब मामा का लड़का या मामा का बेटी, मतलब आपका भाई बहन है बट मामा घर की तरफ से, क्या आप वो आपके घर का मेंबर है? प्लीज टेल मी, आपके मामा घर का जो लोग है, क्या वो आपके घर का मेंबर है? प्लीज आंसर करना, हाँ या ना। अरे बोलो ना,
आपके मामा घर का जो लोग हैं, जो जैसे कि आपके मामा मतलब मैटरनल साइड का भाई बहन, क्या आपके घर का मेंबर है? ऑब्वियसली ना। तो वो लोग जब भी आपके घर में आते हैं, माँ पापा किसको ज्यादा प्यार करते हैं, आपको कि मामा का लड़का या मामा के लड़की को? प्लीज टेल मी सर, इसका जवाब दीजिएगा। हर चीज में प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, रिलेटिव रिलेटिव भाई बहन को कि आपको? ऑब्वियसली रिलेटिव भाई बहन। तो रिलेटिव वाले भाई बहन कौन हो गया? प्रेफरेंस रिलेटिव, ठीक है? और आप इक्विटी, सुख दुख की साथी, समझे कि नहीं? इट मीन्स दे दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज रिकमेंडेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इक्विटी शेयर का डिविडेंड क्या होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल रिकमेंड करता है, कोई फिक्स रेट नहीं होता है, वैरी होता रहता है। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी ऑल्सो एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट देने के बाद डिविडेंड पॉलिसी एप्लीकेबल करके, बिजनेस का प्रॉफिट का अवेलेबिलिटी चेक करके डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। ज्यादा रहने से ज्यादा, कम रहने से कम, ना रहने से कुछ भी नहीं। ओके ओके सर। अरे आप लोग बहुत देर से हाँ ना नहीं बोल रहे हो, मुझे समझ में कैसे आएगा, बोलो यस सर, तो सही। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। जैसे यहाँ पर सर देखो, प्रोविजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चलो सर आज इतना ही मैं रखता हूँ, बाकी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके ऊपर बेस करके डिविडेंड कैसे दिया जाता है, कैलकुलेशंस है अभी, और एंड क्लास मतलब लास्ट मोमेंट में कैलकुलेशन दिमाग के इधर उधर हो सकता है। देर आर सम सर्टेन डिविडेंड देने के ऊपर कुछ प्रोहिबिशन है, किस किस कंपनी के लिए प्रोहिबिशन है, ठीक है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में अगर बता देते हैं आपको तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस चैप्टर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आप बस अपने नोट से इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है? एनफ होता है कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, और क्या चाहिए, बस लिख लिख के प्रैक्टिस करें। कंपनी लॉ में एग्जाम में समय दे देना पड़ता है, क्योंकि काफी लिखना पड़ता है ना सर, लिखना पड़ता है। तो लिखने के टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी बढ़ता है, हैंड राइटिंग भी सही होता है, और एग्जाम में मार्क्स भी कैरी होता है, और प्रॉपरली लिखना भी पड़ता है। सो डोंट टेक इट इजी, मतलब हल्का से मत, पढ़ो एंजॉय करके पर सीरियसली पढ़ो। थैंक यू सर, आज इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जिनके पास नोट नहीं है, मेरे से नोट कलेक्ट कर लो और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के रिलेटेड मैटर पे थोड़ा देख लो, ठीक है सर? गुड नाइट, एंड आज के लिए इतना ही सर। गुड नाइट सर, गुड ओके सर, टाटा, नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट।